8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रातः सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में गृहस्थोदय रूप में दिखाई देगा। चंद्रोदय से काफी समय पहले ही चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मोक्ष 6:19 पर होगा। सूतक के समय ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना निषेध माना गया है। खाना पीना सोना नाखून काटना भोजन बनाना तेल लगाना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। यह ग्रहण भरणी नक्षत्र मेष राशि में घटित हो रहा है, अतः इस नक्षत्र एवं मेष राशि वालों को इस ग्रहण का फल अशुभ होगा। आइए हम जानते हैं 12 राशियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। मेष राशि वालों के लिए शरीर कष्ट और धन का क्षय होगा। वृक्ष राशि धन हानि और परेशानी रहेगी। मिथुन धन एवं सुख लाभ रहेगा। कर्क रोग कष्ट चिंता भय रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए संतान संबंधी चिंता रहेगी। कन्या राशि शत्रु भय दुर्घटना और खर्च अधिक होगा। तुला स्त्री पति कष्ट रहेगा। वृश्चिक राशि कार्यों में विलंब होगा और धनु राशि चिंता एवं खर्च अधिक रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा? धन लाभ होगा, कार्य सिद्ध होंगे और कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, प्रगति के मार्ग प्रस्तुत होंगे। और मीन राशि वालों के लिए धन हानि खर्च अधिक होगा। और इस ग्रहण में इन राशि वालों के लिए जो कष्ट में है उनके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं और वो यह है कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और महामृत्युंजय मंत्र किसी को याद ना हो तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।